नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 24 जुलाई 2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बुलेरो वाहन में दो महिला पुलिस की वर्दी में बैठी हैं। एक व्यक्ति सिविल में बैठा है, एक व्यक्ति वाहन को चला रहा है जो गुड़गांव रोड से मोधमा में बिना मास्क लगाए आने जाने वाले लोगों को रोक कर डरा धमका कर पैसे वसूल रहे हैं। कभी रीवा पुलिस बताती है तो कभी दिल्ली पुलिस बताती है। ऐसा लगता है कि ये लोग फर्जी पुलिस बनकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम तैयार कर मुखबिर के बताए स्थान पर भेजकर तफ्तीश कराई गई, तो जो उक्त नंबर की बुलेरो वाहन ग्राम गोरगांव में मनिकनार रोड में जाते दिखी, जिसका पीछा कर पकड़ा गया, जिसमें दो महिला पुलिस की वर्दी में बैठी मिली, एक व्यक्ति सिविल कपड़े में बैठा मिला और एक व्यक्ति वाहन के ड्राइवर सीट में वाहन को चलाते पाया गया। दोनों महिलाओं की नंबर प्लेट में जैस नंबर लिखा था, जिसमें एक वैध नंबर थाने में पदस्थ आरक्षक का बैच नंबर 565 लिखा था, एक बैच नंबर 588 लिखा था, जो संदिग्ध अवस्था में पाए जाने से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जो सिविल कपड़े में बैठे व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि मैं अशोक पटेल, पिता केमला पटेल, उम्र 38 वर्ष, निवासी खैरा थाना लौर का रहने वाला, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हेचरी में रहकर मजदूरी का काम करता था। वहीं नागेंद्र यादव, पिता कृष्णपाल यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी इतिहा बाना सगरा का रहने वाला है, जो ड्राइवरी का काम करता था, प्राइवेट गाड़ी में बुकिंग का काम करता है, जिसकी जान पहचान मुझसे हो गई। लॉकडाउन में मैं अपने घर आ गया, जो इटोरा में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहता था। अपने घर में एक योजना बनाई कि मेरी नाबालिग लड़की और मेरी लड़की की नाबालिग सहेली पुलिस में जाने की इच्छा रखती हैं, जो अपनी लड़कियों को पुलिस की वर्दी का कपड़ा खरीद कर अपनी नाबालिग लड़की और लड़की की सहेली के नाप की वर्दी रीवा से सिलवाई और मध्य प्रदेश पुलिस का पैच, बिल्ला, टोपी, बेल्ट, नेम प्लेट, फर्जी बैच और शूज खरीद कर लड़कियों को पहनाकर अपने साथी नागेंद्र यादव, जो वाहन बुलेरो का चालक है, जिसके साथ साठगांठ कर दिनांक 21 जुलाई 2020 से लगातार वाहन बुलेरो में स्वयं अधिकारी बनकर और अपनी लड़की और अपनी लड़की की सहेली को पुलिस की वर्दी पहनाकर वाहन में बैठकर रौदा इटौरा से लेकर रायपुर करछुलियान लौर तक बिना मास्क लगाए आने जाने वालों को रोककर डरा धमका कर पैसे वसूलते थे। ये मास्क ना लगाकर लोग जा रहे थे, जिनका चलान कर रहे थे। ये दो लड़कियां हैं जो कि नाबालिग हैं और एक लड़की का पिता है अशोक पटेल, जो कि रहने वाला है ग्राम खैरा थाना लौर, जो और उसका एक दोस्त है जो बलेरो जीप चलाता है, बुकिंग में चलती है, कई बार उसको लेके गांव में आ जा चुका था, तो उसको अपने साथ बुला करके और ये अपनी लड़की को प्लस एक उसकी सहेली है, उनको वर्दी वगैरह सिलवा करके पूरा ड्रेस बाजार से खरीद करके और दे करके और साथ में इन सब लोग इकट्ठा होकर के और करीब ये 21 तारीख से लगातार ये गांव में घूम रहे थे और ये रीवा से ले करके और लौर तक घूम घूम करके अंदर अंदर की गलियों में जो भी बिना मास्क के मोटरसाइकिल चलाते मिल जाते थे उनको रोक करके और उनको डराना धमकाना और उसके बाद फिर उनसे किसी से 100 रुपये, किसी से 50 रुपये, इस टाइप की वसूली किसी कर रहे थे। आज ये ग्राम गुड़गांव है, थाना रायपुर करछुलियान में। आज सूचना मिली कि ग्राम गुड़गांव में कुछ संदिग्ध टाइप के लोग इस टाइप से वहाँ पर हैं, जो कि संदिग्ध प्रतीत होते हैं, पुलिस की वर्दी में है, दो लड़कियाँ प्लस एक दो आदमी के साथ में है। उस सूचना पर वहाँ पर तस्दीक कराई गई, वो लोग मिले और वो सारी चीज़ें फर्जी पाई गई और इसी दौरान में एक किराने की दुकान है वहाँ पर भी ये लोग कल शाम को जा करके और उसको गांजा उंजा की बेचने की शिकायत डरा करके और उसको भयभीत करके और कि तुमको चलो नहीं बेचते हो तब भी हमको सूचना है, तुम बेचते हो चलो तुमको रीवा स्पेशल टास्क है, ये रीवा की फोर्स है और तुमको ले चल के बंद कर देंगे, भयभीत करके उससे भी 5000 रुपये जो उन्होंने ठगी की है वो उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उसके और उसकी पर प्रधान कार्रवाई की जा रही है और भी बेचना की जा रही है और इन्होंने कहाँ कहाँ क्या किया। सर, इनके पास में जो लोकल यूनिफॉर्म के अलावा आई कार्ड वगैरह कुछ ऐसा मिला? इन्होंने अपना एक पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड ही बना के रखा था और मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी पूरा बैच नंबर सहित और लगा के रखा था, पूरी वर्दी बेल्ट, किसी पदाधिकारी की वर्दी पहन के नहीं, आरक्षक आरक्षक की वर्दी पहना था और जो उसका पिता था लड़कियों का पटेल, अशोक पटेल, जिसको अधिकारी हैं, ये आगे गाड़ी बैठ जाता था, लड़कियाँ जा को भेजता था जांच करने के लिए,
वो जांच करके फिर बता दी थी कि साहब बहुत बिगड़ जाएंगे फिर, नहीं तो इसको ख़त्म करो, जांच करा। इस तरह से भयभीत करके लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे थे। अभी तक मैं अपने पास एक ही फरियादी मिल पाया है जिससे कि इन्होंने 5,000 रुपये की ठगी की है जी। अच्छा, इनका रीवा में भी किराए का मकान पता चला है, इटौरा में, इटौरा बाईपास में किराए का मकान लेके वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और जो ये अशोक है, ये पूर्व में इलाहाबाद में कहीं नौकरी करता था, अभी लॉकडाउन के दौरान ये वहाँ से नौकरी छोड़ के घर आ गया था और इटौरा में एक कमरा किराए से लेकर के वहाँ रीवा में परिवार सहित रहने लगा। प्रशासन के द्वारा वहाँ पे किराए के मकान से कुछ चीज़ें जब्त की गई, ऐसा कुछ मिला नहीं? वहाँ पर भी तलाशी ली गई है लेकिन वहाँ पर केवल उनकी आईडी वगैरह मिली है, इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी चीज़।